जैसे आज तो मैं पहले बड़ा हैरान हो गया था कि जब खबर आई इतनी बड़ी गई जी, समझा कोई कश्मीर पे फिर हमला हो गया। ये सूरतयाल है रिजवान साहब, आईटी के अंदर आपको पता है कि इनकी सूरतयाल काफी बेहतर है। तो यार मैं इसमें तजवीज पेश करना चाहता हूँ कि दोनों तरफ की फोर्सेस को पबजी पे लगा देते हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता DGISPR द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारत पर यह आरोप लगाया गया था कि भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर को हैक करके उसमें का डाटा चुराने का प्रयास किया गया था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने नाकाम कर दिया। इसी बात की चर्चा पाकिस्तान के विभिन्न टीवी चैनल पर हो रही है। बिना किसी जाँच के उस साइबर अटैक के सूत्र कहाँ से जुड़ते हैं? भारत पर, जैसा कि पाकिस्तान की हमेशा से परंपरा रही है, सारे आरोप का मलबा डाल दिया गया है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर भारत का झंडा दिखाई देने लगा, तब भी भारत पर आरोप मढ़ दिया गया था। इस खबर को इतने सनसनीखेज ढंग से पाकिस्तान सेना द्वारा अपने देश के सामने लाया गया है, मानो लगता है कि भारत के किसी बड़े मिलिट्री अटैक को पाकिस्तानी सेना ने नाकाम कर दिया। आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया चर्चा में दिया जा रहा है। मुमताज भट्टी साहब, ये क्या आज ISPR ने हमें प्रेस रिलीज जारी की है, वो क्या अटेम्प्ट थी सर, उसकी डिटेल बताइएगा जरा। देखिए रिजवान भाई साहब, पिछले कुछ अरसे से अटेम्प्ट हो रही थी मुख्तलिफ जो वेब है पाकिस्तान की, हत्ता के PTV स्पोर्ट्स की वेब तक को हैक किया गया और मुख्तलिफ इदारों की वेब को हैक किया गया, कुछ के ऊपर अटेम्प्ट की गई। इसी तरह यहाँ से मोबाइल डाटा जो है वो मुख्तलिफ अहम शख्सियात का और ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्यूटर डाटा होता है उस तक रसाई की इंडियंस की तरफ से कोशिश की गई, साइबर अटैक्स किए गए और साइबर अटैक्स जो है इनका फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने सुराग लगाया। मालूम हुआ कि इंडियंस जो है वो डाटा चुराने के लिए और हसास मालूम तक रसाई के लिए जो है ये साइबर अटैक्स कर रहे हैं और इसका फिर तदारुक किया गया है। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कार्रवाई है पिछले कुछ अरसे के अंदर उसको आज अनाउंस कर दिया गया है कि किस तरह से जो है वो इंडियन के साथ साइबर वार जो है वो लड़ी जा रही थी और बिलाखिर जो डाटा है वो हैक होने से बचाया गया है। ये सूरतयाल है रिजवान साहब, आईटी के अंदर आपको पता है कि इनकी सूरतयाल काफी बेहतर है हमसे, लेकिन इनकी तकरीबकारी की सूरतयाल ये है कि जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये अपनी कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये चाहिए जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, गूगल और दूसरे, इनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि जिस तरह के इन्होंने ये साइबर अटैक्स करने की कोशिश की है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे जाती तौर पर मालूम है कि इनके कुछ अकाउंट्स वगैरह जो है वो हैकर्स के सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मेरे ख्याल इससे आगे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब, ये जो हैकिंग है, हालांकि अमेरिका के पास तो एक ऐसा तैयारा है, वो कहते हैं कि जी आपके मुल्क के ऊपर से गुजर जाए तो आपके मोबाइल से लेके कंप्यूटर तक का सारा डाटा वो उठा के ले जाता है और कोई मुल्क उसको अपने ऊपर से गुजरने का कतन इजाजत नहीं देता, उनकी पूरी एक फोर्स है ऐसी। तो ऐसी सूरत में सर ये सेंटिटी कैसे मेंटेन रखी जा सकती है जो हमारा ऑनलाइन डाटा या ऑफलाइन डाटा भी इवन पड़ा होता? रईस साहब, हमें अभी एक बात का एहसास होना चाहिए कि वॉरफेयर जो है वो बिल्कुल बदल गई है। पहले हम बात करते थे लैंड, एयर और सी की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीन डोमेन सी जंग लड़ने की। अब इसमें तीन डोमेन्स और आ गई हैं, एक साइबर है, एक स्पेस है खला में से, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर ये तमाम जो कम्युनिकेशंस वाले सिस्टम जो हैं या जो जैमिंग वाले सिस्टम जो हैं या जो अभी आप बात कर रहे थे कि सारा के सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उसको जाम करने के, रडार्स को जाम करने के, कम्युनिकेशन को जाम करने के तमाम मामलात हैं, अब वो आ गए हैं। लोग तो अब इसको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक वॉरफेयर, ये एक नई अभी आप समझ लें किस्म की जंग आ गई है और ये हाइब्रिड वॉर से भी एक कदम आगे चले गए हैं हम। और इस एल्गोरिथमिक वॉरफेयर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम करेगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जंग की जो एक क्या कहना चाहिए शक्ल है,
वो बदल रही है, और ये हिंदुस्तान वाले जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये तो जंग चलती रहेगी। ये साइबर वॉरफेयर बिल्कुल जो ठीक है, है, हैक करना, लेकिन उनको ब्लॉक करना, दोबारा हैक करना, हाँ ब्लॉक करना, ठीक है। ये चलती रहेगी। इसमें कोई इतने परेशान होने वाली बात नहीं है मेरे। अगर ये वाली इस वॉर के अंदर आ गए हम, तो कैसे देखते हैं? कॉन्फिडेंट है ना? देखिए, दुनिया बड़ी डिजिटलाइज हो गई है, बड़ी सेंसिटिव हो गई है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो हैकिंग है बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको ये भी पढ़ाया जाता है कि आपने इसको कैसे डिफेंस करना है। ये नहीं कहा जाता कि आपने जाके अटैक कर देने, बतौर इंफॉर्मेशन के तौर पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम तमाम कवानीन पर पाबंदी लगा देते हैं। देखिए, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है, और जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वो सही कह रहे थे, हमें अपने आप को इक्विप्ड करने के लिए अपने जो नौजवान नस्ल है, इसे आईटी टेक्नोलॉजी से मुसल्लह करना होगा, तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आज तो मैं पहले बड़ा हैरान हो गया था कि जब खबर आई इतनी बड़ी गई जी, हमला नाकाम बना, मैं समझा कि कश्मीर पे फिर हमला हो गया और हमने नाकाम बना दिया। इस किस्म के, देखिए, जब तक आप अपने आप को डिजिटली सिक्योर नहीं करेंगे, इस किस्म के हादसे तो होते रहते हैं, मुस्लिम ममालिक में होते हैं, अमरीका में होते हैं, CIA के चीज़ें चुरा ली जाती हैं। अब आपको अपने मुल्क को, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने नौजवानों को पढ़ाना होगा कि आपने कैसे इन चीज़ों को सिक्योर करना है, मैंने अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करना है, आपने अपने सिस्टम कैसे सिक्योर करना है, तभी, अदरवाइज तो दुनिया हमारी चीज़ें चुरा के ले जाएगी। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके अकाउंट्स को चुरा के ले गया, या ये कॉपी कर ली गई हैं, ये होता है, चीज़ें चलती रहती हैं। हमें अपने आप को बचाने के लिए लोगों को IT की टेक्नोलॉजी की तरवीज देनी होगी। देखिए ना, इंडिया हमसे बहुत आगे IT की टेक्नोलॉजी, उसका कहने का मकसद ये है कि अब सिर्फ जंगें रवायती तौर पर नहीं लड़ी जाती, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता, वही मुल्क तरक्की करेगा जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी। तो यार, मैं इसमें तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि दोनों तरफ की फोर्सेस को पबजी पे लगा देते हैं, जो पबजी पे जीत जाएगा उसका फैसला हो जाए, नो कॉन्टैक्ट भी रहेगा, और मेरा मतलब खून खराबा भी नहीं होगा, तबाही भी नहीं फिरेगी। क्या हम तो बड़े उसके फनेटिक हो चुके हैं उस गेम के, हमने तो वो मुजाहरे शुरू कर दिए थे, खवातीन ने भी, मर्दों ने भी। और जो वॉर की बात आप कर रहे हैं, देखिये गो के उनका वैसे फैलाव बहुत ज्यादा है, उनकी डेवलपमेंट हमारे से ज्यादा होगी। ये बताया है कि जी इंडिया मुसलसल हैकिंग के ऊपर रहता है कि कोई ना कोई डाटा मिल जाए उनको, कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई सीक्रेट इंटेलिजेंस मिल जाए। अगर हम करप्शन को नहीं रोक पाए तो क्या हुआ? लेकिन देखें, ये तो हमारी कामयाबी है ना, हमें इन इदारों को तो सलाम पेश करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल जी, सलाम है। जैसा कि आपने सुना, चर्चा में लगभग इस बात पर सहमति है कि भारत का दबदबा अब IT सेक्टर में पूरे विश्व में कायम हो चुका है। यह सही भी है, भारत के लोगों ने अपनी शिक्षा, अपनी मेहनत के बल पर जिस प्रकार IT सेक्टर का विकास किया है, अब भारत इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। नेस्कम का हवाला देते हुए द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक खबर प्रकाशित किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत का IT सेक्टर का ग्रोथ 7.7% होने का अनुमान है, और इस अवधि में इस सेक्टर से निर्यात कुल $147 बिलियन हो सकता है। हालांकि इस महामारी से थोड़ा इसमें प्रभाव पड़ सकता है, पर इस सेक्टर में भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि भारत फिर अपनी रफ्तार को कायम कर लेगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी भारतीय मूल के कुल 10 लोग विश्व की 10 बड़ी कंपनियों के CEO बने हुए हैं, जिसमें श्री सुंदर पिचोई गूगल, श्री सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, राजीव सूरी नोकिया, शांतनु रायन एडोब और फ्रांसिस डिसूजा कोगजेंट आदि शामिल हैं। भारत के इसी IT पावर को देखकर चर्चा में शामिल एक चर्चाकार ने मजाक में ही कहा है कि भारत से हम केवल पबजी में ही जीत सकते हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि IT सेक्टर में विकास करें और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें, और IT सेक्टर में विकास करने के लिए भारत ही पाकिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि पाकिस्तान भारत से शांति वार्ता करे और भारत में जो चरमपंथियों को भेजता है, मदद देता है, उनको मदद देना बंद कर दे। आज भारत विश्व में अग्रणी लीडर है, भारत सक्षम है, भारत मजबूत है, हमें इस पर गर्व है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।